की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आज बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 20 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए जाते हैं। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको इस वक्त ही देने की कोशिश करें क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर ये कहा जाता है कि एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। 3 फरवरी की तारीख होगी, बारिश हो रही होगी, ये हम नहीं मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। फिलहाल आपको खबर इस बाबत हम बता रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार है क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का दौर चला, मैदानी इलाकों में उस वजह से ठंड बढ़ी और बारिश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों भी देखने को मिली थी जब लगातार 3 दिनों तक बारिश होती रही, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है जिससे मुश्किलातों का सामना आम लोगों को भी करना पड़ रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरे की मार भी पड़ी है जनता को क्योंकि कोहरा आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिला। यातायात प्रभावित भी कोहरे की वजह से हुआ है। फिलहाल ये कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। कपिल गौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कपिल, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि 3 फरवरी की तारीख होगी, मौसम बदला एक बार फिर नजर आएगा। अभी का जो मौसम है हाल फिलहाल का दिल्ली और आसपास के राज्यों का, धूप निकली हुई है मैदानी इलाकों में। पिछले कुछ दिनों से कहीं अगर बात की जाए तो 4 से 5 दिन की जो है धूप निकल रही है, अच्छी खासी धूप निकल रही है। लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिल रही है, जो एक ठिठुरन वाली सर्दी थी उससे राहत लोगों को धूप के सहारे से मिल रही है अब। लेकिन IMD के मुताबिक जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसमें ये कहा गया है कि जो 3 फरवरी की जो तारीख है उसमें हल्की बारिश होने की संभावना है दिल्ली और आसपास के राज्यों में, जिसकी वजह से हल्की बारिश होने के कारण जो है वो ठंड बढ़ सकती है। हर साल दर साल ये होता आया है कि 26 जनवरी और उसके आसपास का फरवरी का जैसा ही पहला हफ्ता शुरू होता है तो बारिश होनी शुरू हो जाती है उत्तर भारत में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ गिरनी अभी बंद नहीं हुई है, अभी वहां पर बर्फ गिर रही है और आगे भी और ज्यादा संभावना है बर्फ गिरने की, तो उसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं उसमें ठंड का प्रकोप जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से अब IMD का ये कहना है कि 3 फरवरी को जो है 3 और 4 फरवरी को दिल्ली और उसके आसपास राज्य जैसे कि हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है इनके कुछ हिस्सों में, जिसकी वजह से ठंड एक बार दोबारा से बढ़ेगी और अगर ऐसे में बारिश होती है तो जो न्यूनतम तापमान है वो एक बार फिर से गिर करके 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, जो इस वक्त अभी के वक्त में 14 से 15 डिग्री सेल्सियस है। हर्ष।